गाइस इट्स मी प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं यूपी 15 ब्लॉगर। दोस्तों आज वापस आए हैं हम यहाँ पर टॉर्क अनलिमिटेड इंद्रपुरी दिल्ली में लेकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बाइक का सेगमेंट, बहुत अच्छी बाइक का कलेक्शन लेकर आए आप लोग। ये हायाबुसा का सेगमेंट है दोस्तों, हायाबुसा हम लोग इस बाइक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। उसी के साथ में Z900 का कलेक्शन रहेगा, Z800 रहने वाली है और वहीं पर आप लोग उन सभी बाइक को देखने के बाद बताएंगे कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा खास है, किस बाइक का साउंड ज़्यादा लाउड है, सभी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ गए व्हाइट कलर की हायाबुसा, 2015 का मॉडल है, सेकंड ओनर है, 9600 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली। इसकी बात करते हैं एसेसरीज की, तो इसमें आप लोगों को दिख जाएगा फॉग प्रोटेक्टर, दिख जाएगा इसमें आप लोगों को फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिलेगा और वहीं पर टैंक पैड देखने के लिए मिलेगा, टैंक ग्रिप देखने के लिए मिलेगी। और उस पर अगर बात कर ले एग्जॉस्ट की तो इसमें योशिमोरा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, 1300 सीसी की बाइक रहती है। सीट काउल देखने के लिए इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। और वहीं पर अगर बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस रहने वाला है दोस्तों इस बाइक का 10,80,000 रुपये, जो कि स्लाइडली निगोशिएबल रहने वाला है। उसके आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आती है सिल्वर कलर की हायाबुसा, सिल्वर कलर की हायाबुसा 2019 मॉडल, सेकंड ओनर, 14,000 ओनली ड्रिवन है। इस बाइक की अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें आप लोगों को स्क्रीन देखने मिल, पीयू की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, फॉग प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगी, वहीं पर फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक ग्रिप देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं पर दोस्तों इसकी एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम योशिमोरा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और सीट काउल भी इसमें आप लोगों को साथ मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर इसकी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 14,35,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि स्लाइडली निगोशिएबल रहेगा। इन बाइक को दोस्तों परचेज करने के लिए आना पड़ेगा आप लोगों को टॉर्क अनलिमिटेड पर इंद्रपुरी दिल्ली में। तो इसी के बाद दोस्तों आ जाती है ये सुजुकी हायाबुसा ब्लैक कलर की, ब्लैक ब्यूटी, 2013 का रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, सेकंड ओनर है ये। और अगर बात कर ले इसकी चली हुई ड्रिवन की, तो ये 18,000 ओनली ड्रिवन है और सेकंड ओनर रहने वाला है। वहीं पर अगर इसकी एसेसरीज की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों को फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक ग्रिप देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें बबल स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ में दोस्तों जो इसका एग्जॉस्ट है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को सीट काउल देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन सीट मिलेगी अवेलेबल। अगर इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस रहने वाला इसका 9,25,000 विद निगोशिएबल। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वापस से एक सिल्वर कलर की हायाबुसा आ जाती है, 2019 का मॉडल, सेकंड ओनर ये रहने वाली है और 12,800 किलोमीटर ओनली ड्रिवन रहने वाली है बाइक। इसकी अगर एसेसरीज की बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों को, इसमें बबल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है, टैंक पैड देखने के लिए मिल जाती है, टैंक ग्रिप देखने के लिए मिल जाती है, सीटेड क्राउल भी देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और वहीं पर दोस्तों इन सभी बाइक्स में सीटेड क्राउल के साथ में आप लोगों को सीट भी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद दोस्तों ये जो अगर बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट की, तो इसमें बॉक्स के एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें अगर बात कर लेते हैं तो कार्बन डीप इसमें हो रखा है, ये देखिए साइड मिरर में हो रखा है और ये सारा कार्बन डीप हो रखा है। अगर बात करें इसकी अभी एग्जॉस्ट की, अगर इसकी साउंड सुनाने की, तो इसके साउंड सुनाते हैं इसका भी और इन तीनों बाइक का आप लोगों को साउंड सुनाने वाले हैं। साउंड सुनाते हैं आपको, तो दोस्तों इस बाइक का आप लोगों ने साउंड सुन लिया। अब आ जाते हैं ब्लैक कलर की, जो ब्लैक ब्यूटी है, इसका भी साउंड आप लोगों को सुनाने वाले इस टाइम पर। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी बाइक का साउंड ज्यादा लाउड है और कौन सी बाइक का साउंड आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। इसके बाद वापस ग्रे कलर की भी दिखाते हैं आपको। इसके बाद दोस्तों दिखाते हैं इसका 2015 मॉडल जो व्हाइट कलर का है उसे, इसका भी साउंड आप लोगों को सुनाते हैं। तो
दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाली हायाबुसा का साउंड कौन सा ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया। इसके बाद आते हैं दोस्तों Z900 पर। Z900 के कलेक्शन हमारे पास है, तीन Z900 यहाँ पर हमारे पास खड़ी हुई है। 2021 के रजिस्ट्रेशन है, दो बाइक्स का और एक बाइक का अलग है। तो 2021 का मॉडल है ये Z900 का और ये सेकंड ओनर रहने वाले हैं। 9000 किलोमीटर ओनली ड्रीवन है ये बाइक। और बात कर लेते हैं अगर इसकी एसेसरीज की, तो इसमें आप लोगों को फ्रंट फॉर प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, विंगलेट देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पर आपको फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा, साइड फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा और वहाँ पर रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को देखिए लीवर प्रोटेक्टर को करने के लिए लीवर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों इंजन गार्ड भी मिल जाएगा, इंजन को गार्ड करने के लिए काफ़ी सारी एक्सेसरीज है। इसमें आप लोगों को योशिमारो का एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को सीट काउल देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे सीट काउल जो बना हुआ है कार्बन डीप हो रखा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से, और आफ्टर मार्केट सीट लगी हुई है इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा और आप लोगों को टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा, टैंक ग्रिप देखने के लिए मिल जाएगी। और ये दोस्तों जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक भी आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर बात करें इसकी साउंड की, तो आप लोगों को इसका साउंड सुनाने वाले हैं। अब बताने इसका साउंड कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों साउंड आप लोगों ने इसका सुन लिया होगा 2021 के मॉडल का। वापस आते हैं 2021 के मॉडल से ही, ये भी Z900 2021 का मॉडल है। इसमें जो अगर बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की, तो इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट फॉग प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, ये इनलाइन फोर रहने वाली है। और इसमें आप लोगों को रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी इसमें आप लोगों को। और उसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट में नॉर्मल रहने वाला है जो स्टॉक एग्जॉस्ट रहता है। इसके बाद दोस्तों ये सेकंड ओनर बाइक है, 5600 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है ये बाइक। और तो वहीं पर दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसमें प्राइस आप लोगों को रहने वाला है 8,90,000 रुपये, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल रहने वाला है। और इससे पहले वाले की अगर बात करें, तो इसका प्राइस मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, इसका प्राइस है दोस्तों 9,25,000 रुपये, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल है। इसके बाद आया था दोस्तों नेक्स्ट मॉडल है Z900 का, ये 2020 मॉडल है दोस्तों, सेकंड ओनर बाइक है और ये चली हुई। अगर बात करें तो इसकी 16,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है। इसमें आप लोगों को स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, बबल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोगों को फ्रंट पॉक प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पर इसके आप लोगों को टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा इस पर। और इसी के साथ में अगर बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो आप लोगों को इसमें SC का एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और लीवर को गार्ड करने के लिए लीवर प्रोटेक्टर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और अगर बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसमें प्राइस रहने वाला है 8,20,000 रुपये का इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल रहेगा। इसके बाद आया थे दोस्तों स्क्रैम्बलर, डुकाटी की दो बाइक हमारे पास खड़ी हुई है जो कि दोनों की दोनों स्क्रैम्बलर है, डुकाटी स्क्रैम्बलर। अगर बात कर लेते हैं इसकी स्क्रैम्बलर की डिटेल्स की, तो ये 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाला है, 6500 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है। और इसकी बात करें प्राइस की, तो 5,90,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल है। इसमें आप लोगों को फ्रंट पॉक प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और ये लीवर गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसका आपने कलर देख ही लिया होगा, चेरी कलर में रहने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो है हमारे पास येलो कलर की डुकाटी स्क्रैम्बलर ट्रमिगोनी का, इसमें एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वर्थ आप लोगों को 2.5 लाख रुपए की इसकी वर्थ रहने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए का ये एग्जॉस्ट रहने वाला है। इसकी बात करें एसेसरीज की, बाग बास्टर की, इसमें आपको हैंडल बार देखने के लिए मिल जाएगा लीवर प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करें इसकी, 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है दोस्तों ये बाइक, 10,000 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली। और इसके प्राइस की अगर बात कर ली जाए, तो 6,25,000 रुपये इसका बाइक का प्राइस है, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल रहने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं CBR दिखाते हैं आप लोगों को। होंडा की बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है उसके इंजन की वजह से भी, तो बात कर लेते हैं होंडा CBR की। 2016 का मॉडल है दोस्तों, सेकंड ओनर है, 32,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और अगर इसकी बात करें एसेसरीज की, तो इसमें आप लोगों को फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पर इसमें आप लोगों को सीट काउल देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सीट काउल यहाँ पर आप लोगों का। और इसी के साथ में दोस्तों सीट काउल में इसमें आपको सीट भी देखने के लिए मिलेगी। और इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, 6,10,000 रुपये का इसका प्राइस है, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल रहने वाला है। इन बाइक को दोस्तों परचेस करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा टॉर्क अनलिमिटेड पर इंद्रपुरी दिल्ली में, और यहाँ पर आकर आप सस्ती अच्छे प्राइस में बाइक लेकर जा सकते हैं। एक और बाइक दोस्तों Z800 दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि Z900 की छोटी बहन है, जो कि Z900 से पहले आई थी। और ये है दोस्तों Z800, ये लिमिटेड कलर है दोस्तों, लिमिटेड एडिशन है ये। और इसमें अगर बात कर लेते हैं एसेसरीज की, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे फ्रेम स्लाइडर देखने के लिए मिलेगा इसमें आप लोगों को।
इंजन गार्ड देखने के लिए मिलेगा, SC प्रोजेक्ट का इसमें एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा वहीं पर आप लोगों को। और अगर बात कर लेते हैं, इसमें 2016 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर रहने वाला है। और इस बाइक का अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत कम प्राइस में ये बाइक देखने के लिए मिल जाएगी। 6,30,000 रुपये का इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल रहने वाला है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसकी साउंड की, तो साउंड में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कैसा इसका साउंड रहेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका, तो दोस्तों साउंड आप लोग बताना है इसका साउंड भी आप लोगों को कैसा लगा। Z900, Z800 और जितनी भी आया वो सब आज कवर करिए, उन सब में आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कौन सी बाइक का साउंड आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, और आगे हम लोगों को किस बाइक पे वीडियो बनानी चाहिए, या कौन कौन सी बाइक आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में दिखाएं, तो वो भी सब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन सभी बाइक्स को परचेज करने के लिए आप लोगों को टॉर्क अनलिमिटेड पर आना पड़ेगा। और दोस्तों जो भी बाइक की अगर आप लोगों को इंक्वायरी चाहिए, जो भी क्वायरी करनी होगी, तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, और इंस्टाग्राम पर जाकर भी पेज विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा कैटलॉग डाला जाता है, बाइक जितनी भी आती है सब बाइक की पूरी डिटेल्स डाली जाती है विथ पिक्चर्स और कुछ फोटोज भी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।